सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, इस वीडियो में हम स्कूल रेडीनेस ट्रेनिंग में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। इस कोर्स को पूर्ण करने की अंतिम तिथि 10 अप्रैल है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और इसे शेयर भी कर दें। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, बच्चों को चरणबद्धता सिखाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है अनुक्रमिक क्रम को समझना और उसमें महारत हासिल करना। अगला, सामाजिक भावनात्मक शिक्षा में आत्म जागरूकता मुख्य रूप से क्या संदर्भित करती है? अपनी भावनाओं और क्षमताओं को समझना। अगला प्रश्न, चित्र चार्ट पर कार्य करने से बच्चों में किस भाषाई दक्षता का विकास होता है? तो यहाँ पर सही आंसर है मौखिक भाषा विकास का। अगला प्रश्न, पोर्टफोलियो में बच्चे के कार्य को किस दिन दर्ज किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सप्ताह के छठवें दिन अर्थात शनिवार को। अगला, सप्ताह छः में भाषा और साक्षरता कौशल से संबंधित गतिविधियों में से किस गतिविधि पर कार्य नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है दो वर्णों वाले अमात्रिक शब्दों की पहचान। अगला प्रश्न, आपने सप्ताह 3 गणित EVS वैज्ञानिक सोच का वीडियो देखा, वीडियो में गतिविधि संचालित करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है अंदर बाहर की अवधारणा की पहचान। अगला प्रश्न, आपने सप्ताह 2 बाहरी खेल का वीडियो देखा, वीडियो में गतिविधि संचालित करने का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऊपर के सभी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी गतिविधि कला संबंधित गतिविधियों से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर है शिक्षक द्वारा मौखिक कहानी सुनाना। अगला प्रश्न, बिग बुक पर कार्य के दौरान किस चरण पर बच्चों के साथ कार्य नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर है बिग बुक को बच्चों से स्वतंत्र रूप से पढ़वाना। अगला प्रश्न, तुकांत शब्द पर बच्चों के साथ कार्य करने से उनसे कौन सी भाषाई दक्षता का विकास होता है? तो यहाँ पर सही आंसर है ध्वनि जागरूकता। साथियों, आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ये प्लेलिस्ट सेक्शन में इलेक्शन 2024 प्लेलिस्ट मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में आपको इलेक्शन से संबंधित सभी वीडियो मिल जाएंगी। पीठासीन अधिकारी अपना कार्य किस तरीके से करेंगे, मतदान अधिकारी प्रथम द्वितीय तृतीय किस तरीके से कार्य करेंगे, मॉक पोल की प्रक्रिया क्या रहेगी, मॉक पोल में कौन कौन से प्रपत्र भरे जाने हैं, पीठासीन कौन कौन से प्रपत्र भरेंगे, ये सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। इनको आप देख लेंगे।